रमेश बोले होंगे, तो आपको स्पेशल नहीं हो या जी मामा? अभी तो वो लड़की इस घर में भी नहीं आई और तुम माँ से सलाम दुआ से भी गए। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है, मैं बस कुछ परेशानी में था। खैरियत? ऐसी भी क्या परेशानी है कि तुम माँ को सलाम करना भूल गए? बस है कुछ ऑफिस की परेशानी। ऑफिस से तो तुम सुबह से गायब हो, तुम थे कहाँ? कितनी बार तुम्हारे मोबाइल पे ट्राई किया, तुमने तो वो भी नहीं अटेंड किया। मेरा ख्याल है कि मुझे आपको सब सच सच बता देना चाहिए। कौन सा सच? मामा, मैं नाइला के साथ था। नाइला के साथ सारा दिन? जी, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। मामा देखिए देखिए, मैं जानता हूँ इस टाइम आपके जहन में बहुत सारे सवाल हो जिनके जवाब आप मुझसे चाहती, लेकिन अभी मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। रामेश के साथ जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, वो सारी ख्वाहिशें गुर्बत के हाथों जिनको दबाती आई हूं, अब सब पूरी हो जाएंगी। अब कम से कम उस कंगाल सुहेल से शादी नहीं करनी पड़ेगी। ये क्या तरीका है नायला? क्यों, क्या हुआ? सुहेल भाई इतनी चाहत से तुम्हारे लिए रिंग खरीदना चाहते थे और तुमने उन्हें साफ इनकार कर दिया, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। सुहेल की इतने औकात नहीं हीरे की अंगूठी खरीदने की, उसने बस मुझे मरूब करने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा किए ताकि वो मेरे लिए हीरे की अंगूठी खरीद सके। तुम अपने होने वाले शौहर के बारे में ऐसी बातें कर रही हो नायला? उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, और उन थोड़े थोड़े पैसों में कितनी सच्चाई और खलूस है वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। मैं जानती हूँ तुम्हारी सोच भी बिल्कुल गरीबों वाली है, इसलिए तो तुम उस कंगाल की इतनी साइड लेती हो। पता नहीं क्यों मेरा रिश्ता तय कर दिया उससे, तुम्हारा कर देते ना, जैसी तुम वैसा वो। क्या हो गया है तुम्हें नायला? तुम्हारे नसीब में जितनी दौलत होगी तुम्हें मिल जाएगी। 10 तारीख में दिन ही कितने रह गए जो तुम ऐसी बातें कर रही हो, और अगर अब्बा ने ये सब सुन लिया तो जानती हो क्या होगा। बस कर दो अब, लेक्चर देने मत बैठ जाना, 2 घड़ी सुकून से कोई बैठ नहीं सकता इस घर में। सुहेल भाई का तो अल्लाह ही हाफिज है।
मामा 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 क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत क्या खाक ठीक होगी? हुआ क्या है, कुछ बताएं भी मामा। होना क्या है, मौसूफ ने कोर्ट मैरिज कर लिया उस लड़की से। व्हाट, ये क्या कह रही है मामा? भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? अल्लाह जाने क्या जादू कर दिया उसने। सोचा था रिश्ते के लिए जाऊंगी तो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दूंगी, या ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी कि वो लोग खुद ही इनकार कर देंगे। मगर ये लड़की तो हद से ज्यादा तेज निकली, सीधा मुंह उठा के कोर्ट मैरिज कर ली। मगर अब क्या होगा मामा? इतना भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी रिश्तेदारों को। और फिर सबिया, वो तो बेचारी मेरी आस पे बैठी थी, उसने तो अपनी फैमिली में भी मना कर दिया था सीमा के रिश्ते के लिए। तो क्या भाई अब उस लड़की को घर ले आएंगे? अब और हो भी क्या सकता है। खैर, आने दो एक बार उस लड़की को, मैं भी देखती हूँ कितने दिन टिकेगी वो इस घर में। मगर मामा, सबीहा आंटी से आप क्या कहेंगी? और सीमा? सीमा तो इस घर की बहू बन के रहे। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं कैसा हूँ? हाँ बताओ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, इनफैक्ट बहुत खुश हूँ, बल्कि बहुत बहुत खुश हूँ। और तुम? मैं भी खुश हूँ। सिर्फ खुश? रामिश, मैं बहुत खुश हूँ, बस थोड़ी परेशान हूँ। आप कैसी परेशानी है तुम्हें? तुम्हारा साथ पाने के लिए इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा फैसला तो कर लिया है मैंने, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा अब्बा को ये सब कैसे बताऊंगी, कैसे सामना करूंगी उनका। नायला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर तुम्हें किस चीज का डर? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, और आज इतनी खुशी का दिन है और तुम ये सब लेकर बैठ गई हो। अच्छा तो फिर ये बताओ, हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? जहाँ तुम कहो। हम लंदन जाएंगे, जानते हो मुझे लंदन बहुत पसंद है। तुम तो जा चुके हो, लंदन बहुत खूबसूरत है ना? हाँ बहुत खूबसूरत है, और हम लंदन ही जाएंगे। आंटी तो मान जाएंगी ना? अपने बेटे की खुशी के लिए उन्हें मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानेंगी तो मैं मना लूंगा। अच्छा चलो, अब मैं फोन रखती हूँ और सोचती हूँ कि करना क्या है। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तो ये बात है, मैं भी कहूँ कि ये हंसता मुस्कुराता चेहरा
दो तीन दिन से मुरझाए क्यों जा रहा है? ऐसी क्या बात थी जो ये लड़की उस दिन शादी की खबर सुनकर अचानक बुझ सी गई और अब गम से हलकान हुए जा रही है? उड़ान तो बहुत ऊंची है, लंदन की बातें कर रही है, कोई तो चक्कर जरूर है, मगर क्या? चाय। शुक्रिया। अब कैसी तबीयत है आपकी? पहले से तो बहुत बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। आज पहली बार आप इतना लेट स्कूल जा रहे हैं। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी कर लीजिए ना। वैसे आप कौन सा छुट्टियां करते रहते हैं? जो साल की छुट्टी मिलती है आप तो वो भी नहीं करते। परवीन, जब जरूरत ही ना पड़े तो छुट्टी करने का फायदा, और वैसे भी हर पढ़े लिखे शख्स पर उसका इल्म एक कर्ज की तरह होता है जिसे वो अपनी अगली नस्लों को चुका कर ही अदा कर सकता है। और फिर मैं वैसे भी कौन सा मुफ्त काम करता हूँ, तनख्वाह लेता हूँ इस बात की सरकार से। आप अकेले इस काम की तनख्वाह नहीं लेते, जो दूसरे मास्टर हैं वो भी इसी काम की तनख्वाह लेते हैं, वो तो ऐसा नहीं सोचते। काश के वो सब भी ऐसा ही सोच सके और अपना कर्ज पूरी दयानतदारी के साथ उतार सके। अगर वो ऐसा करें तो हमारी आने वाली नस्लें संवर जाएं। और वैसे भी अभी तो पर्चे खत्म हुए हैं, स्टाफ की एक मीटिंग है, जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। स्कूल में बता दिया था आपने? हाँ, मैंने हेडमास्टर साहब को फोन कर दिया था कि मेरी तबीयत नासाज है, जरा देर से आऊंगा। अब इतनी सर्विस हो गई है, इतना लिहाज तो वो करते ही है ना। ये बताओ, नायला ऑफिस चली गई? जी, वो तो अपने वक्त पे ही चली गई थी। मैं सोचता हूँ परवीन के अब उसका नौकरी करना मुनासिब नहीं, उसे चाहिए कि नौकरी छोड़ दे। कह तो आप सही रहे हैं, लेकिन वो माने तब ना। क्यों नहीं मानेगी? तुम उससे बात करके देखो, वरना मैं खुद बात करूंगा उससे। जी, अब चलता हूं। आयला, सर अजीम ने जो असाइनमेंट दी है मुझे नहीं लगता मुझसे होगी, प्लीज़ तो मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। क्यों, ऐसी क्या मुश्किल है? ये उम्र सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती। अच्छा, तो फिर किस लिए होती है? मोहब्बत, प्यार, इश्क, इन सब के लिए। इससे अच्छी उम्र और कोई नहीं। यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का आशु तुम्हारे पीछे है, और तुम भी। बस भाई साहब, इसके आगे एक लफ्ज़ और मत कहना। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए आती हूँ, और आशिर भी तुम लोगों की तरह सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। आयला, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा। ये क्या बदतमीजी आशिर? कैसी बदतमीजी? आइंदा मुझसे बात करनी हो तो मुंह से बात करना, इस तरह हाथ मत लगाना। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा, मैं तो तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए कह रहा था। आइला, इतनी भी अच्छी नहीं है जो उसके पीछे तुम घूमते रहते हो। सुन लिया ना क्या कहा आयला ने? आइंदा उससे बात करने की कोशिश मत करना। ये
और तुम कौन हो? मैं मैं आयला को पसंद करता हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम उससे दूर रहना। वरना क्या? वरना क्या? अबे वरना वरना क्या? मुझे आशीष से साफ साफ बात करनी होगी। उसका रवैया अजीब सा होता जा रहा है। आयला, 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 वो क्या हुआ? वो आशीष और एक और लड़का दोनों तुम्हारी वजह से बहुत लड़ रहे हैं। जल्दी चलो। जब मेरे और आयला के दरमियान में आने की कोशिश की ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा, देख लूंगा तुझे। मेरे ख्याल से तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए। क्या मतलब? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो तुम्हारी समझ में ना आ सके। हाँ, मगर क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ, और वैसे भी मुझे लड़कियों का जॉब करना कोई खास पसंद नहीं है। मगर रामेश, रिमेम्बर, तुमने मुझे मेरी जॉब के दौरान ही प्रपोज किया था और एक जॉब करने वाली लड़की को ही पसंद किया था। जानता हूँ, मगर शादी से पहले की बात और थी। शादी के बाद अब तुम जॉब नहीं कर सकती और अब इस इशू में कोई बहस नहीं होगी। चले कहाँ? मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ। तुम्हारे घर? हाँ, मैं ये सोच रहा था कि देखो, मम्मा तो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ नहीं सकी, तो तुम्हारी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, तो मैं चाह रहा था कि तुम एक बार मम्मा से मिल लो ताकि उन्हें भी पता चले कि मेरी चॉइस कैसी है। क्या मतलब है? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। सास से मिलने जा रही हो तुम? चलो मुंह ठीक कर लो। कहाँ गायब हो? कुछ खबर ही नहीं। हाँ बस ऐसे ही। कितने दिनों से कोई चक्कर ही नहीं लगाया, ना कोई फोन ना कुछ। ये तो सीमा अपनी दोस्त की तरफ आ रही थी तो मैंने सोचा मैं भी साथ चलती हूँ, तुमसे मुलाकात ही हो जाएगी। अच्छा किया ना आ गई, इसी बहाने सीमा भी आ गई, वरना ये कहाँ आती है और कौन सी मैं इसकी सगी आंटी हूँ। तुम तो सगों से भी बढ़कर हो, और वैसे भी यही तो इसका असली घर है। अरे नहीं मामा, अरे आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, बस जब से ऑफिस ज्वाइन किया टाइम ही नहीं मिलता। इनफैक्ट मामा को भी टाइम नहीं दे पाती, इनको भी यही गिला रहता है मुझसे। भाई क्यों ना करूं गिला, बाप क्या कम था जो बेटी भी हाथ से गई। अच्छा तो अपने पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया तुमने? तो और क्या, बाप बेटी हर वक्त ऑफिस के कामों में लगे रहते हैं। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि रामेश से कहूं कि अपने साथ साथ सीमा की भी हेल्प कर दिया करे। आखिरी मेरी इकलौती बेटी है और सब कुछ इसी का तो है। क्या बात है, तुम कुछ परेशान दिखाई देती हो। नहीं नहीं, परेशान तो बिल्कुल नहीं हूं मैं। तो फिर खामोश क्यों हो? छोड़े ना मामा, बाय द वे आंटी ये है कहाँ? कितनी बार फोन ट्राई किया बट कोई जवाब नहीं।
वो मैं अस्सलाम वालेकुम आंटी वालेकुम अस्सलाम हेलो सीमा हाउ आर यू आई एम फाइन अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे साथ में ये कौन है लेट मी इंट्रोड्यूस हर नाहिला ये मेरी मामा है ये सबीहा आंटी हैं मामा की बहुत ही क्लोज फ्रेंड और ये सीमा है मेरी बहुत ही वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन अब इन्हें भी इंट्रोड्यूस करा दो जी जरूर ये नाइला है मेरी कुलीग है इसकी और इसके साथ ही ऑफिस में काम करती है जी बिल्कुल ये मेरी कुलीग हैं हम लोग साथ में काम करते हैं लेकिन अब ये मेरी बीवी क्या जी हम दोनों ने निकाह कर लिया मामा आपने अभी तक सबीहा आंटी को ये खुशखबरी सुनाई नहीं ये क्या मजाक है बेटा तुम तो जानते हो कि तुम्हारी और सीमा की शादी तय हो चुकी है और मैं तो आज रुखसाना से इसी सिलसिले में बात करने आई थी आई एम सॉरी आंटी लेकिन मैं और नाइला एक दूसरे को पसंद करते थे रुखसाना तुम ये सब जानती थी फिर भी कब से खामोश बैठी मेरा तमाशा बना रही हो नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सबिया मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ सच पूछो तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे कोई बात करने की मामा चले यहाँ से और आंटी थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग अरे अरे मेरी बात तो सुनो सबिया मेरी बात सुन लो तुम क्या जरूरत है इसको यहाँ लाने की क्या जरूरत थी मामा मैं नाइला को आपसे मिलवाना चाहता हूँ मुझे लगा था कि आपको अपनी बहू को देखकर खुशी होगी उसे मिलकर अच्छा लगेगा आपको लेकिन मैं भूल गया था कि आपको अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपनी पसंद अपनी ख्वाहिशात अजीज है अपनी दोस्त से किए हुए वादे के टूटने का ज्यादा दुख है आपको चलो नाइला यार मैं तो जानता भी नहीं हूँ उसने तुम्हारा नाम लेकर कहा कि वो तुम्हें पसंद करता है इसलिए मैंने ये सब इसलिए तुमने उसे जानवरों की तरह मारना पीटना शुरू कर दिया क्या फर्क रह गया उसमें और तुम में तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो आशिर ये बात तुम क्यों भूल जाते हो आयला कोई भी तुम्हारे बारे में इस तरह की बात करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूं मोहब्बत करता हूँ तुमसे शादी करना चाहता हूँ बस आशिर बहुत सुन लिया मैंने बस ये बात मैं खुद तुमसे करना चाहती थी हम अच्छे दोस्त हैं आशिर लेकिन ये प्यार मोहब्बत शादी इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा ऐसे मत कहो आयला मैं समझता हूँ कि मोहब्बत के लिए भी दोस्ती का होना पहले बहुत जरूरी होता है लेकिन मोहब्बत दोस्त से हो ये जरूरी नहीं तुम यहाँ पढ़ने आते हो आशिर मैं भी यहाँ पढ़ने आती हूँ हम अपनी फैमिली से छुप कर उनकी मर्जी के खिलाफ आपस में कोई ऐसा रिश्ता बना ले जिसके मुस्तकबिल का हमें पता नहीं ये मोहब्बत नहीं आशिर खुदगर्जी है हमारी फैमिली इसका कर्ज है हम पर आशिर
हम वो कर्ज चुकाने के बजाय अपनी ख्वाहिशात को अहमियत देना शुरू कर दें। ये सब नसीब का खेल है। अगर हमारे नसीब में ऐसा कुछ लिखा हो तो जरूर हो, लेकिन प्लीज सबके सामने मेरा नाम लेकर मेरे लिए मार पिटाई कर दूसरों की नजरों में मुझे इतना छोटा मत कर। मैं तुम्हें दूसरों की नजरों में छोटा करूंगा? तुमने सोच भी कैसे लिया यार? मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं जरूर एहतियात करूंगा। और मुझे यकीन है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, फिर तुम तार नहीं करोगे। अगर रब को यही मंजूर हो तो नहीं। अगर इन हाथों की लकीरों में तुम्हारा नाम ना लिखा हुआ तो मैं ये नाम खुद लिख लूंगा। रामेश, तुम परेशान मत हो और आंटी की बातों को तो दिल पे भी मत लो, वो माँ है तुम्हारी। ऐसी होती है माँ, माँ को तो बेटे की छोटी से छोटी खुशी हर दिल अजीज होती है, उसकी पसंद को आंखों से लगाए फिरती। उन्हें भी तुम्हारी खुशी बेहद अजीज होगी, तुम्हारी पसंद नापसंद हर चीज से बढ़कर होगी, मगर प्रॉब्लम तो ये है कि वो तुम्हें बाकी माओं के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा प्यार करती हैं, और इसी प्यार की वजह से वो तुम पर और तुम्हारी खुशियों पर अपना हक समझती हैं। अच्छा छोड़ो ये सब, अपना मूड ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मुझे कहते हो हिम्मत से काम लो, परेशान मत हो, और खुद इतनी सी बात पर परेशान हो गए। ये मेरे लिए इतनी सी बात नहीं है नायला। चलो रिलैक्स हो जाओ, अपना मूड ठीक कर लो बस। मेरे ख्याल से वैसे भी टाइम काफी हो गया, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। जानजीब, मैं आपसे बात कर रही हूँ, किसी और से बात करती हूँ तो हर कोई मुझे अपना दुश्मन समझता है। आपको पता है आज यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? अब क्या हो गया? आज उस लड़के ने आयला की वजह से मेरे भाई को इतनी बेदर्दी से पीटा है। सगीर का फोन आया था, बता रहा था कि उसके मुंह से खून निकल रहा है। क्या, किस लड़के ने? और ये तुम्हारा भाई करने क्या जाता है वहां पर? उसी लड़के ने जिसके साथ सगीर ने आयला को देखा था, और मेरा भाई इलेक्ट्रिशियन है, वो वहां काम करने जाता है। अब सारी बुराइयां सिर्फ मेरे भाई में तो नहीं ना, अपनी बहन से भी पूछे कि इस बेदर्दी से पिटवाने की वजह क्या थी। बहुत बड़ी बात कर रही हो तुम, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो? आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूं। अगर मैं झूठ बोलूं तो खुदा का कहर मुझ पे नाजिल हो। Thank you.
आयला, ये कौन था? कौन था क्या मतलब है? ऑफिस की गाड़ी थी, पिक एंड ड्रॉप करने आती है। लेकिन उसकी शक्ल ड्राइवर जैसी लग नहीं रही थी। वो ड्राइवर नहीं था, कुलीग है मेरा। ड्राइवर ने छुट्टी की थी इसलिए मुझे ड्रॉप करने आया था। तो उसने तुम्हें यहाँ क्यों उतार दिया? घर के सामने क्यों नहीं उतारा? उन्हें कुछ जरूरी काम था। आगे गली थोड़ी तंग है, निकलते हुए उन्हें देर हो जाती, इसलिए मैंने कहा मुझे यहीं ड्रॉप कर दो। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शुक्रिया, मैं खुद चली जाऊँ। फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ मोटरसाइकिल बैठने की कोई जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, आज सुहेल भाई और नायला साथ साथ, ये सूरज कहाँ से निकला है? इस वक्त तो रात है। हाँ, आप ये जरूर कह सकती हैं कि इस वक्त चांद कहाँ से निकला है। वाह भाई, क्या बात है। मैं अंदर जा रही हूँ। नायला, एक बात कहूं? कहो। इतनी देर घर से बाहर रहना ठीक नहीं, और तुम तो जानती हो ना कि शहर के हालात भी ठीक नहीं। इस शहर के हालात तो जिंदगी भर ठीक नहीं होंगे, तो क्या घर से बाहर निकलना ही छोड़ दूं? अल्लाह ना करे नायला, कैसी बातें करती हो? और आप होते कौन है मुझे नसीहत करने वाले? नायला, हमारी शादी होने वाली है, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। होने वाली? अभी हुई नहीं हो। उस दिन तो आपको बड़ी मेरी खुशी की परवाह हो रही थी। छोड़ें सुहेल भाई, ये तो हर वक्त गुस्से में रहती है। आप अंदर आइए ना, अम्मी अंदर है, आ जाएं। मुझे देर हो रही है, अम्मी घर पर अकेली है। जल्दी हम लोग क्या तैयारी करें? ये यास्मीन भी ना हथेली पे सरसों जमाने वाली बात करती है। भला ऐसे होती है शादी? दोनों बहन भाई बिल्कुल एक जैसे। इधर बहन ने बोला, उधर भाई ने झट से हाँ कर दी। इतना भी नहीं सोचा कि एक बार बेटी की राय ही मालूम कर ले। खैर, नायला शाम को आ जाए ना तो उसको ये जोड़े दिखा देना और दर्जी के पास चली जाना। पीछे देने कितने बाकी रह गए? आयला जी, अम्मी कहाँ खोई हो? मैं तुमसे बात कर रही हूं। जी क्या कह रही थी आप? लो कर लो बात। कब से बोले जा रही हूँ और ये लड़की है, ये कुछ खबर ही नहीं है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तबीयत तो ठीक है ना? जी जी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर यूं खोई हुई और परेशान क्यों हो? अम्मी, नायला का रवैया सुहेल भाई के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है।
सुहेल भाई इतना चाहते हैं उसे, इतना पसंद करते हैं, एक वो है कि उन्हें नजर भरकर देखती भी नहीं, बल्कि उल्टा उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ये सुहेल भाई हैं जो उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर कोई और होता तो कहते तो तुम ठीक हो बेटा, तुम्हारे अब्बा के बेजा लाड प्यार ने उसे जिद्दी और खुदसर बना दिया है। सच पूछो तो कभी कभी दिल डर सा जाता है कि कहीं उसकी जिद और खुदसरी कोई गुली ना खिला दे। अम्मी एक बात कहूं? हाँ कहो। मुझे लगता है कि नायला इस शादी से खुश नहीं है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या उसने तुमसे कुछ कहा है? वो मैंने उसे किसी से फोन पर बात करते सुना था। मुझे लगता है कि वो किसी और को पसंद करती है। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने तो मास्टर साहब को पहले ही कहा था कि एक बार बच्ची से पूछ ले, उसकी मर्जी उसकी रजामंदी मालूम कर ले, लेकिन ये मेरी सुनते ही कहां है। एक ही रट लगा रखी है कि मेरी बेटी मेरे फैसले से कभी इनकार नहीं करेगी। अब क्या होगा? या अल्लाह,